जय जिनेन्द्र। देव अरिहंत शरण उत्तम दिव्य जिन की देश ना हे वीत रागी सिद्ध प्रभु तुमसे मिलो यह प्रार्थना। आचार्य संघ के सारथी उवझाय मुझको ज्ञान दो। निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करता हूँ अंतर भाव से। बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचता रहूं दुर्भाव से। गौतम सी हो श्रद्धा घनी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। बढ़ता रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन प्रमाण हो। आगम वचन प्रमाण हो। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य आचार्य भगवंत एवं संत सती मंडल के पावन चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि वंदन। धर्म जिज्ञासु शिविरार्थी भाइयों और बहनों, हम सब महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ जलगांव द्वारा आयोजित शिविरों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें एक विषय कर्मवाद भी है। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कर्मवाद के नाम से जाना जाता है। कर्म के बारे में पिछले दो दिनों से हम कुछ जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म क्या है, कर्म के कितने प्रकार है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म किस प्रकार से अपना फल देते हैं, कर्म की क्या क्या अवस्थाएं होती है, कर्म के कौन कौन से करण होते हैं। कल की कक्षा में हम आठ करणों की चर्चा कर रहे थे। जीव के परिणाम विशेष को करण कहते हैं और ये करण मुख्य रूप से आठ कहे गए हैं। आठ करणों में से कल हमने छह करणों की चर्चा की थी। सबसे पहला था बंधन करण, दूसरा था उदीर्णा करण, तीसरा था संक्रम करण, चौथा था उद्वर्तन करण, पांचवा था अपवर्तन करण और छठा था उपशमना करण। इन छह करणों का स्वरूप जानने का हमने प्रयास किया था। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सातवां जो करण का भेद है वह है निद्धति, जिसको बोलचाल में निद्धत भी कहा जाता है। जो कर्म पुद्गल आत्मा पर बंधे हैं, जीव के
राग द्वेष के तीव्र परिणाम होने के कारण से वे कर्म पुद्गल ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, गाढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण से उन कर्मों में केवल मात्र उद्वर्तन और अपवर्तन ये दो करण लागू हो सकते हैं, न तो उनकी उदीर्णा हो सकती है, न उनका संक्रमण हो सकता है, न उनका उपशम हो सकता है। निद्दत करण में उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है। बंधी हुई प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होना उद्वर्तन कहलाता है, और बंधी हुई प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग में कमी होना अपवर्तन कहलाता है। इस निद्दत करण में जीव अपने विशेष विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि कर सकता है, स्थिति में वृद्धि कर सकता है, उसे कहते हैं उद्वर्तन। पाप प्रकृतियों की स्थिति को घटाना, अनुभाग को घटाना, संक्लेश परिणामों से घटाना, उसे कहते हैं अपवर्तन। ये उद्वर्तन और अपवर्तन जीव के परिणामों पर निर्भर करते हैं। कोई भी जीव, चाहे वह एकेंद्री है, बहिंद्री है, तेंद्री है, चौरेंद्री है, सन्नी असन्नी पंचेंद्री है, नारकी है, देवता है, मनुष्य है, त्रियंच है, कोई भी जीव है, भवी है, अभवी है, कृष्ण पक्षी है, शुक्ल पक्षी है, सूक्ष्म है, बादर है, त्रस है, स्थावर है, कोई से भी तरह का जीव है, उद्वर्तन अपवर्तन कर सकते हैं। उनकी अपनी सीमा रहेगी, जितनी विशुद्धि होगी अथवा जितना संक्लेश होगा उसके अनुपात में उन जीवों में उद्वर्तन अपवर्तन होगा। करण का जो आठवां भेद है वह है निकाचन। निकाचना भी कहते हैं, निकाचित भी कहते हैं। तीव्र परिणामों के साथ में जो बंद होता है उसे निकाचनाकरण कहते हैं। निकाचित यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। निद्दत में तो घटबड़ हो जाती थी, उद्वर्तन अपवर्तन हो सकता था, पर निकाचनाकरण में बंधे हुए जो कर्म होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल जैसा कि निवेदन किया गया था, जो गाढ़ निकाचित होते हैं उनको अनुप्रेक्षा की उत्कृष्टता से और शुक्ल ध्यान की उत्कृष्टता से होता है। उसके अलावा जो निकाचित कर्म है उन्हें उसी रूप में भोगना पड़ता है। निकाचनाकरण शुभ प्रकृतियों में भी लागू होता है और अशुभ में भी लागू होता है। आठों ही कर्मों में निद्दत और निकाचित करण लागू हो सकता है। केवल मात्र एक उपशमना करण ऐसा है, छठे नंबर का जो करण है, उपशमना करण ऐसा है
जो मोह कर्म में ही लागू होता है। बाकी सातों के साथ जो करण है वे सभी कर्मों में लागू हो सकते हैं, शुभ में भी और अशुभ में भी। ये आठ करणों में जीव का पुरुषार्थ काम करता है। कर्म की अवस्थाएं 11 प्रकार की होती है। उन 11 प्रकारों में से 8 अवस्था तो ये करण वाली ही है। जो 8 करण हमने देखे हैं, बंधन करण, उदीर्णा करण, संक्रम करण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उपशमन, निद्धत और निकाचित, ये 8 तो वो के वही हैं। इन 8 के अलावा 3 और अवस्थाएं हैं जो कर्मों की बनती है। उसमें सबसे पहली है उदय अवस्था। जब कर्मों का अबाधा काल पूरा हो जाता है तब वे कर्म उदय में आते हैं, चाहे प्रदेश उदय में आए चाहे विपाक उदय में आए, पर उनका उदय प्रारंभ हो जाता है, उस अवस्था को उदय कहा जाता है। जो कर्म उदय आवलिका में आ जाते हैं, उदय आवलिका अर्थात एक आवलिका के अंदर अंदर जिन कर्मों का उदय आना निश्चित है, वापस सुनिए, उदय आवलिका अर्थात एक आवलिका काल में जिनका उदय आना निश्चित है, ऐसी अवस्था उदयावलिका कहलाती है। जो कर्म उदयावलिका में स्थित हो जाते हैं उनमें कोई भी करण लागू नहीं होता है, उनमें कोई फेरफार नहीं हो पाता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो उदयावलिका के बाहर सत्ता में होते हैं उन बंधे हुए कर्मों में ही ये करण लागू होते हैं, चाहे उदीर्णा करण है, चाहे उपशमना करण है, चाहे संक्रमण करण है, चाहे उद्वर्तन है, चाहे अपवर्तन है, चाहे निद्दत है, चाहे निकाचना है, सारे के सारे जो करण लागू होते हैं वो उदय आवलिका के बाहर रहे हुए कर्म उद्गलों में लागू होते हैं, कर्मों में लागू होते हैं। तो पहली अवस्था थी करण के अलावा उदय अवस्था, दूसरी है सत्ता अवस्था। सत्ता, सत्ता किसे कहते हैं? जब कोई कर्म पुद्गल हमारे आत्म प्रदेशों पर संबंधित हो जाते हैं और जब तक वे उदय में आकर निर्जरित नहीं हो जाते, हमारी आत्मा से अलग नहीं हो जाते, तब तक का जो काल है वो सत्ता का काल कहलाता है। बंधने से लेकर उदय आने तक का जो काल है वह सत्ता माना जाता है। तीसरी जो अवस्था है वह है अबाधा काल। कर्म बंध चुका है, जब तक वो बाधा नहीं दे, जब तक वह अपना फल नहीं दिखाए, तब तक की अवस्था अबाधा काल कहलाती है।
अबादा काल के बारे में हम विस्तार से विचार कर रहे हैं, तो कर्म बंध की अवस्थाएं कुल 11 होती है। वापस ध्यान दीजिए, करण 8 होते हैं और कर्म बंध की अवस्थाएं, कर्म की अवस्थाएं 11 प्रकार की होती है। उदय, सत्ता और अबाधा काल, इन तीनों को करण नहीं माना जाता है। अबाधा काल क्या है इस पर हम विचार कर रहे हैं। कर्म प्रकृति के थोकड़े में आप लोगों ने पढ़ा है कि आयु कर्म का अबाधा काल पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा, नहीं होता है। नवीन पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा अबाधा काल होता भी है और नहीं भी होता है। आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों में अबाधा काल का जो नियम है उसको ध्यान में लीजिए। 7 कर्मों में अबाधा काल का नियम, 1 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति का बंध होता है तो अबाधा काल 100 वर्ष का होता है। ये नियम है। आयु कर्म को छोड़कर से 7 कर्मों में ये नियम लागू होता है कि 1 कोटा कोटि सागरोपम, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें, जितनी संख्या आए उसको कहेंगे 1 कोटा कोटि सागरोपम। 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है, असंख्यात काल कहलाता है। 1 लिख करके उसके आगे 14 बिंदी लगा दे, क्योंकि करोड़ में 7 बिंदी लगती है और वापस करोड़ से गुणा करेंगे तो 7 बिंदी और आएगी। 1 की संख्या लिखकर 14 बिंदी लगा दे, वो जो संख्या बनेगी वो 1 कोटा कोटि कहलाएगी। 1 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति का अगर यदि कोई जीव कर्म बांधता है तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष का होता है। अब कोई सवाल करे कि एक मूर्त अबाधा कितनी स्थिति का होता है, एक मूर्त 48 मिनट, ये अबाधा कितनी स्थिति बनने पर होता है, तो ये गणित की गणना है। जिसकी गणित में रुचि है, गणित की थोड़ी सी भी जानकारी जो रखते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे के समय में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात के, 30 मुहूर्त हो गए। एक महीने में 30 को 30 से गुणा कर देंगे तो 900 मुहूर्त होते हैं। एक दिन के 30 तो 30 दिन के 900 मुहूर्त होते हैं। एक वर्ष में जो 900 की संख्या आई थी उसको 12 से गुणा कर देंगे, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 900 को 12 से गुणा करेंगे तो 10,800 मुहूर्त होते हैं। कितने में? एक वर्ष में। अपने को निकालना है 100 वर्ष में कितने मुहूर्त होते हैं। तो एक वर्ष में
जो 10,800 मुहूर्त आए हैं उनको वापस 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 वर्ष के मुहूर्त निकल जाएंगे। तो 10,800 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,80,000 मुहूर्त हो जाएंगे। ये सामान्य गणना है। 10,80,000 मुहूर्त हो गए, कितने में? 100 वर्ष में। अब क्या करेंगे? जो एक कोटा कोटि की संख्या थी उसमें 10,80,000 का भाग दे देंगे। 10,80,000 का भाग किसमें देंगे? एक कोटा कोटि की संख्या में। तो 10,80,000 में जो लास्ट की चार बिंदी है उससे ऊपर की चार बिंदी कम कर देंगे। अब जो संख्या बचेगी उसमें 108 का भाग देंगे, क्योंकि 10,80,000 थे, चार बिंदी कट हो गई, 108 बचे। 108 का भाग देंगे। अगर यदि आपकी भाग देने की जानकारी अच्छी है, योग्यता अच्छी है, तो भाग दे के देखिए। आप भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी, भाग दे के देखना, अभी तो मैं बता देता हूं, 9,25,92,592। कितनी संख्या आएगी भाग देंगे तो? 9,25,92,592 .64/108 ऐसे संख्या आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या आई है, इतनी स्थिति का कोई कर्म बांधे, कितनी स्थिति का? 9,25,92,592 सागरोपम का कोई कर्म बांधे तो उसका अवादा काल एक मुहूर्त का होता है। एक मुहूर्त का अवादा काल कितनी स्थिति का होगा? तो ये संख्या आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं हम। कोई पूछे कि भाई एक आवली का अबादा काल कितनी स्थिति का होता है? एक आवली का, ये तो हमने निकाला एक मुहूर्त। अब एक आवली का कैसे निकालते हैं? तो जो संख्या हमने निकाली थी 9,25,92,592 सागरोपम की जो संख्या आई है, इतनी स्थिति का कर्म बांधे कोई जीव, इतनी स्थिति का कर्म बांधे तो उसका अबादा काल एक मुहूर्त होता है। अब इस संख्या में, एक मुहूर्त में जितनी आवलिका होती है, आवलिका नाम आपने सबने सुना ही है, असंख्यात समय की एक आवलिका है। एक मुहूर्त में आवलिका कितनी है? तो एक छोटा सा दोहा है, आप याद करें तो आपको हमेशा याद रहेगा। 3 7 2 आगा, आगे पीछे 16। वापस सुनिए, 3 7 तीन बार 7 लिख देंगे, 3 7 2 आगा, उसके आगे 2 लिख देंगे, आगे पीछे 16, आगे भी 16 लिख लें और पीछे भी 16 लिख लें। 3 7 2 आगा, आगे पीछे 16, एक मुहूर्त में आवली का निश्चय करके बोल। ये दोहा अच्छा दोहा है, इसको याद कर सकते हैं। तो 1,67,77,216 आवली का होती है। कितने में? एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट में 1,67,77,216 आवली का होती है। अब क्या करेंगे?
जो संख्या हमारी आई थी 9,25,92,592 की जो संख्या आई थी, उसमें किन आवलिका का भाग दे देंगे? 1,67,77,216 आवलिका का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। अब जब इसका भाग देंगे तो जो संख्या आएगी भाग देने पर, देखो पहली संख्या थी 9,25,92,592, उसमें भाग देंगे 1,67,77,216 का भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वो लगभग 5.5 आएगा, 5.5 आएगा, अर्थात लगभग 5.5 सागरोपम का कर्म बांधे कोई जीव, कितने का? 5.5 सागरोपम का कर्म बांधे तो उसका अबादा काल 1 आवलिका का होगा। ये जवाब आ गया कि कितनी स्थिति बांधे तो उसका अबादा काल 1 आवलिका ही होता है। तो 5.5 सागर का कर्म बनता है तो उसका अबादा काल 1 आवलिका होगा। अब अगर यदि कोई 33 सागर का कर्म बांधे, आयु कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, 7 कर्मों की, ध्यान रखना 7 कर्मों का यह नियम चल रहा है, 1 कोटा कोटी का स्थिति बंद करे तो अबादा काल 100 वर्ष का, 9,25,92,592 सागरोपम का कर्म बांधे तो अबादा काल 1 मुहूर्त का, 5.5 सागरोपम का कर्म बांधे तो अबादा काल 1 आवलिका का होता है। ये गणित की गणना है और 7 कर्मों में ये गणना फिक्स है, ये ही नियम लागू होता है। जो जीव आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म जो बांध रहा है उसमें यही नियम काम करता है अबादा काल का। अब आयु कर्म की बात हम करते हैं। आयु कर्म में अबादा काल का ये नियम है कि आयु कर्म जीवन में 1 बार बनता है, 2/3 भाग आयु बीतने पर ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता। जिस समय जीव अगले भव की आयु का बंध करता है उस समय से लेकर जब तक उस जीव का मरण नहीं हो जाता, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक अगले भव की जो आयु बांधी है उसका न तो प्रदेश उदय होता है और न विपाक उदय होता है, दोनों नहीं होते। वापस सुनिए, जिस जीव ने जब भी अगले भव की आयु का बंद किया है उसके बाद से लेकर मरण होने तक, मृत्यु होने तक, न तो उसका प्रदेश उदय होगा न उसका विपाक उदय होगा, किसका? अगले बहु की आयु का। तो वह जो काल है, वह जो टाइम पीरियड है, वह उस आयु कर्म का अबादा काल कहलाता है, क्योंकि अबादा काल का नियम यही है, प्रदेश उदय भी नहीं हो, विपाक उदय भी नहीं हो, वह टाइम पीरियड अबादा काल है। यद्यपि उपशम में भी यही बात होती है, पर उपशम की बात अलग है, वो उपशम ना करण है। उपशम ना करण तो केवल मोह पर ही लागू होगा, पर यह अबादा काल तो सब कर्मों में लागू होता है। तो ध्यान दीजिए, आयु कर्म में अबादा काल होता है पर उसका निश्चित अनुपात नहीं है। जो नियम
सात कर्मों में हमने देखा था वह नियम आयु कर्म में लागू नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए कोई करोड़ पूर्व की आयु वाला मनुष्य है, उसने दो तिहाई भाग पूरा हो गया, एक तिहाई भाग शेष बचा, जब उसने देवायु का बंद किया और साधुपणे में है तो 33 सागर का वो बंद कर सकता है। तो उसका आबादा काल करोड़ पूर्व का तीसरा भाग होगा, क्योंकि बाकी बचा हुआ समय आबादा काल। परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि करोड़ पूर्व का की आयु वाला मनुष्य है, साधु है, और अपनी आयु का अंतर्मूर्ति शेष बच रहा है, लास्ट का समय आ गया है, उस अंतर्मूर्त काल में ही उसने अनुत्तर विमान की आयु बांधी है, तो भी वो 33 सागर की आयु बांध सकता है। तो उत्कृष्ट आयु बांध रहा है दोनों अवस्था में, पर पहली अवस्था में अबाधा काल करोड़ पूर्व का तीसरा भाग था और इस दूसरी अवस्था में अबाधा काल अंतर्मूर्त ही होगा। समझ में आ रही होगी बात आपके कि आयु कर्म जीव जब भी बांधता है तब से लेकर मरण पर्यंत का जो काल है वो अबाधा काल माना जाता है। अब आयु कर्म में अबाधा काल क्यों नहीं होता? तो जो सात कर्मों का नियम था, जो गणित की गणना करके नियम हमने देखा था, वो आयु कर्म में लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं हो पा रहा कि 33 सागर की आयु बांधे तो अबाधा काल करोड़ पूर्व का तीसरा भाग होगा ही, वहां निश्चित नहीं है। क्योंकि जब आयु बांधेगा तब से अबाधा काल प्रारंभ होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आयु कर्म का अबाधा काल होता भी है और नहीं भी होता है। होता है तो किस अपेक्षा से? आयु बंद करने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक का जो काल है वो अबाधा काल होता है। और जो नहीं होता है ऐसा कहा जाता था, उसका कारण क्या है कि सात कर्मों के अबाधा काल का जो नियम है कि एक कोटा कोटि सागर का अबाधा काल 100 वर्ष होगा ही, वह अबाधा काल आयु में लागू नहीं होता। यदि इस हिसाब से गणना करें तो 33 सागरोपम की आयु बांधेगा तो उसका अबाधा काल मात्र 6 आवली का आता है। कितना आता है? अभी हमने देखा था कि 5.5 सागर का कर्म बांधा तो उसका अबाधा काल 1 आवली का आया। कितना आया? 5.5 सागरोपम की स्थिति का कर्म बंधे तो अबाधा काल 1 आवली का आया। तो 33 सागर, उससे 6 गुना हो गया। 33 सागर का कर्म बांधेगा तो अबाधा काल उसका 6 आवली का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि आयु का अबाधा काल करोड़ पूर्व का तीसरा भाग तक हो सकता है। नारकी देवता में 6 महीने पहले आयु बनता है तो उनके 6 महीने होगा। मनुष्य त्रियंच में करोड़ पूर्व के तीसरे भाग पहले आयु बन सकता है, इसलिए उनके इतना अबाधा काल होगा। तो इसको समझने का प्रयास करें, एकाग्रता रख करके सुने कि आयु कर्म का अबाधा काल होता भी है और नहीं भी होता है। अब दूसरी बात, जो कर्म अबाधा काल अवस्था में है क्या उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं? ये प्रश्न है कि जिन कर्मों का अबाधा काल पूरा नहीं हुआ है क्या उन कर्मों में हम गड़बड़ कर सकते हैं? तो उत्तर में ये हम कह सकते हैं कि उन कर्मों में उद्वर्तन भी हो सकता है
अपवर्तन भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, पर उदीर्णा नहीं हो सकती। उदीर्णा तो अबाधा काल पूरा होने के बाद उदय होगा तब होगी, पर उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निद्दत, निकाचना ये करण उसमें हो सकते हैं। इसलिए उस अबाधा काल के पीरियड में भी जीव के जैसे परिणाम चलते हैं, जैसे भाव चलते हैं, विशुद्धि अथवा संक्लेश के जैसे भी भाव चलते हैं, बंधे हुए कर्मों में भी वैसा ही परिवर्तन होता रहता है। तो वह अबाधा काल भी जीव के संभलने का काल है, पुरुषार्थ करने का काल है और आगे बढ़ने का काल है। अब हम अगली बात लेते हैं। एक प्रश्न आता है कि कर्म पुद्गल बिना बुलाए ही आत्मा पर चिपक जाते हैं क्या, कि उनको बुलाते हैं जब आते हैं? कर्म पुद्गल बड़े स्वाभिमानी होते हैं, बिना आमंत्रण के वो आत्म प्रदेशों पर नहीं चिपकते हैं, बिना बुलाए नहीं आते हैं। यद्यपि कर्म पुद्गल वहां पर रहते हैं पर वो कर्म रूप में परिणत नहीं होते हैं। कर्म रूप में परिणत कब होंगे? जब जीव विकारी भाव करेगा, अशुभ भाव करेगा, राग द्वेष के भाव करेगा, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या निंदा विकथा आदि के भाव करेगा, हिंसा झूठ चोरी आदि प्रवृत्तियों में लगेगा, तब जाकर के वे कर्म पुद्गल आत्मा पर चिपकेंगे, नहीं तो नहीं चिपकेंगे। ऐसा कैसे कहा जाता है? तो देखिए, जहां सिद्ध भगवान है, लोक के अग्रभाग पर है, वहां पर भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल रहे हुए हैं, आठों ही वर्गणा के पुद्गल वहां पर भी रहे हुए हैं। जहां सिद्ध भगवान है तो फिर चिपकते हैं? तो सीधी सी बात है कि वहां चिपकने का कारण उनमें मौजूद नहीं है, उनमें मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कसाय नहीं है, विकार नहीं है, कोई भी सांसारिक प्रवृत्ति नहीं है, सावध्य निर्वध्य कोई भी प्रवृत्ति वहां पर है ही नहीं। इस कारण से उनके कर्म नहीं चिपकते। परंतु उन सिद्धों के साथ ही जो एकेंद्रीय जीव रहे हुए हैं, बादर वायुकाय के और दस सूक्ष्म के जो जीव रहे हुए हैं, उनके कर्म चिपक जाते हैं, क्योंकि उन जीवों में विभावपना कायम है, क्रोधादि कसाय भाव उनमें मौजूद है। तो ये बात स्पष्ट है कि कर्म बिना बुलाए आत्मा पर नहीं आते हैं, नहीं चिपकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, क्या कर्म पुद्गल सभी आत्म प्रदेशों पर चिपकते हैं? कल एक बहन ने प्रश्न भी पूछा था, कुछ समय पूर्व ऐसी धारणा थी, आज भी कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिल जाता है टीकाओं में, कि जो हमारी आत्मा के रुचक प्रदेश होते हैं, जिसको मुख्य प्रदेश कहा जाता है, उनकी संख्या 8 होती है। 8 जो रुचक प्रदेश होते हैं वो हमारे शरीर के मध्य भाग में रहते हैं। शरीर का मध्य भाग लगभग नाभि का, नाभि से थोड़ा सा ऊपर का स्थान आता है, वहां पर रहते हैं। आठों जो रुचक प्रदेश है वो एक साथ ही होते हैं, बाकी के आत्म प्रदेश तो
ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मस्तक के जो आत्म प्रदेश है वो पेट में आ जाते हैं, पेट के आत्म प्रदेश मस्तक पर आ जाते हैं, मस्तक के आत्म प्रदेश नीचे पांव में भी आ जाते हैं, पांव के आत्म प्रदेश पेट में आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर नीचे ऐसे जिस प्रकार से रक्त का संचरण होता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी प्रकार बाकी के आत्म प्रदेश भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो स्थिर नहीं रहते। स्थिर कौन रहते हैं? आठ रुचक प्रदेश, वो एक साथ ही रहते हैं, आठों के आठों। तो कुछ टीका ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि रुचक प्रदेशों पर कर्म नहीं चिपकते हैं, परंतु यह बात आगम के अनुकूल नहीं है, आगम से बाधित होती है, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के 23वां अध्ययन जो है, 33वां अध्ययन सॉरी, कर्म प्रकृति जो अध्ययन है, 33वें अध्ययन में वहां कहा गया है सव्वेषु वि पयेसेषु सव्वम सव्वेण बद्धगम, सभी प्रदेशों से, सभी आत्म प्रदेशों का बंध होता है, सभी कर्म पुद्गल जो है सभी आत्म प्रदेशों से बनते हैं। सव्वम सव्वेण बद्धगम, रुचक प्रदेशों को अलग से छोड़ा नहीं गया है, इसलिए यह मानना चाहिए कि रुचक प्रदेश पर भी अन्य आत्म प्रदेशों की तरह कर्म पुद्गल आकर के चिपकते हैं। ऐसी धारणा क्यों चली कि रुचक प्रदेश पर कर्म का बंध नहीं होता है? तो नंदी सूत्र में एक पाठ आता है कि सब जीवों के अक्षर का अनंतवा भाग जो ज्ञान है, जो गुण है, वो उद्घाटित ही रहता है, उस पर कभी आवरण नहीं आता। उस कथन की सिद्धि करने के लिए कुछ टीकाकारों ने ऐसा माना कि रुचक प्रदेश पर कर्म नहीं चिपकेंगे जब ही अक्षर का अनंतवा भाग हमेशा उद्घाटित रहेगा। अगर सभी पर आवरण मान लेंगे तो फिर जीव का जो ज्ञान गुण है, चेतना गुण है, वो प्रकट कैसे होगा? इस कारण से ऐसी मान्यता चली। परंतु सभी आत्म प्रदेशों पर कर्मों का आवरण होते हुए भी सभी आत्म प्रदेशों पर कर्म चिपकते हुए भी, क्योंकि कर्म दो तरह के हैं, हमने चर्चा की थी, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है और अघाती भी है। तो जो देशघाती कर्म होंगे उनका आवरण होते हुए भी उनसे संबंधित गुण प्रकट भी रहता है, खुला हुआ भी रहता है। इसलिए ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं आती है कि सभी आत्म प्रदेशों पर कर्मों का बंध होता है, कर्म चिपकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कर्म जीव ने बांधे हैं, क्या उन कर्मों का फल उस जीव को उसी भव में भोगना पड़ता है अथवा अगले भव में भी भोगना पड़ता है? प्रश्न वापस सुनिए। जिस भव में जिस जीव ने कर्मों का बंध किया है, क्या उसका फल उसे उस भव में मिलता है अथवा अगले भव में मिलता है अथवा दोनों में मिलता है? तो इसके समाधान में हम ये कह सकते हैं कि जो कर्म जिस जीव ने बांधे हैं
वो कैसे बांधे हैं, किस रूप में बांधे हैं, कितनी स्थिति बंदी है और उनका अबाधा काल कितना है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जब कर्म उदय में आएंगे तभी अपना फल देंगे, तभी जीव उनका भोग कर सकेगा, और अगर उदय में ही नहीं आएंगे तो फिर भी अपना फल नहीं दे सकेंगे। तो ये इस बात पर निर्भर है कि जो कर्म बांध रहे हैं उनकी स्थिति कितनी बांध रहे हैं, और स्थिति के अनुपात में उनका अबाधा काल कितना है। अबाधा काल पूरा होने पर ही कर्म अपना फल देता है। देखिए, कुछ जानकारी हम इसके बारे में देखना चाहेंगे। एकेंद्री जो जीव होता है वो एक सागरोपम से ज्यादा स्थिति का कर्म नहीं बांध सकता। प्रज्ञापना सूत्र का जो 23वां पद है, कर्म प्रकृति पद, उसमें अबाधा काल का टोकड़ा चलता है। 5वें कर्म ग्रंथ में भी इसका विवेचन है। एकेंद्री जीव ज्यादा से ज्यादा कर्म बांधे, कोई सा भी कर्म बांधे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्म बनता है वो मोहनी कर्म बनता है। उत्कृष्ट स्थिति मोहनी कर्म की ही होती है, और उसमें भी मिथ्या तो मोहनी की होती है, बाकी कर्मों की स्थिति तो उसके अनुपात में कम होती है। एकेंद्री जीव एक सागरोपम तक का कर्म बांध सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बैन्द्रीय जीव 25 सागरोपम तक की स्थिति का कर्म बांध सकता है। 3 इंद्रिय वाला जीव 50 सागर की स्थिति का कर्म बांध सकता है। 4 इंद्रिय जीव 100 सागरोपम की स्थिति तक का कर्म बांध सकता है। असन्नी पंचेंद्रिय 1000 सागरोपम तक की स्थिति का कर्म बांध सकता है। एक इंद्रिय एक सागर, बैन्द्रीय 25 सागर, तेंद्रिय 50 सागर, चौरेंद्रिय 100 सागर, असन्नी पंचेंद्रिय 1000 सागर का कर्म बांध सकता है। परंतु जो सन्नी पंचेंद्रिय होता है, मन वाला प्राणी होता है, वह जिस कर्म की जितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है उतना बांध सकता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और अंतराय, इनकी स्थिति उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरोपम की होती है, वो बांध सकता है। सन्नी सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो, संकलेश परिणाम वाला हो और मिथ्या दृष्टि हो। उसकी शर्त क्या है? उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा? सन्नी पंचेंद्रिय हो, पर्याप्त हो, मिथ्या दृष्टि हो और संकलेश परिणामों में हो, तीव्र कसाय वाला परिणाम हो, तो उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। नाम गोत्र की 20 कोटा कोटि सागरोपम की बांध सकता है। मोहनी की, दर्शन मोहनी की 70 कोटा कोटि, मिथ्यात्व मोहनी की अपेक्षा चारित्र मोहनी की 40 कोटा कोटि की बांध कर सकता है। और आयु कर्म की, मनुष्य त्रियंश की 3 पल्योपम की और नार की देवता की 33 सागरोपम की आयु बांध सकता है। तो जो जीव जितनी स्थिति का बंद कर सकता है, उस स्थिति के अनुपात में जितना अबाधा काल होता है, वह अबाधा काल पूरा होने के बाद कर्म अपना फल देता है, और उसके बाद वो कर्म उदय में आता है। इस भव में कर्म बांधे और इस भव में उदय में आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऊपर के गुणस्थानों में जहां पर जीव कम स्थिति का कर्म बांधता है। देखिए, कर्म बंध का एक प्रमुख नियम, एक प्रमुख सिद्धांत सब याद रखें, दूसरे गुणस्थान से लेकर
आठवें गुणस्थान तक, दूसरे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान तक जीव जो भी कर्म बांधेगा वह जगन्ने भी और उत्कृष्ट भी अंत कोटा कोटि सागरोपम का बांधेगा, ये निश्चित है। दूसरे से लेकर आठवें गुणस्थान तक, आयु को छोड़ दें, सात कर्मों में कोई भी कर्म बांधे, अब चाहे वो मिश्र दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है, श्रावक है, साधु है, उपसम श्रेणी वाला है, क्षपक श्रेणी वाला है, आठवें गुणस्थान तक जो भी जीव है वे सब अंत कोटा कोटि सागरोपम का कर्म बांधते हैं। समझ में आई बात? अंत कोटा कोटि सागरोपम किसको कहते हैं? एक कोटा कोटि सागरोपम के अंदर अंदर की स्थिति का कर्म, एक सागरोपम से कम। जगन्ने भी अंत कोटा कोटि कह रहे हैं और उत्कृष्ट भी अंत कोटा कोटि कह रहे हैं। जगन्ने से उत्कृष्ट वाला बड़ा रहेगा, जगन्ने छोटा काल होगा, उत्कृष्ट बड़ा होगा। पर जो सन्नी पंचेंद्रिय होगा पहले गुणस्थान वाला, वो कम से कम अंत कोटा कोटि और अधिक से अधिक जिस कर्म की जितनी स्थिति है, सात कर्मों की उतनी स्थिति बांध लेगा। इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। मान लीजिए पहले गुणस्थान वाला जो जीव है वो 1 करोड़ वर्ष का कर्म बांध रहा है, समझने के लिए, बांधेगा तो लंबा चौड़ा पर उदाहरण के रूप में 1 करोड़ साल का कर्म बांध रहा है। अगर यदि कोई जीव चौथे गुणस्थान में होगा तो उसके वो ही कर्म उससे आधा बंधेगा, 50 लाख वर्ष का बंधेगा, विशुद्धि बढ़ जाएगी इसलिए स्थिति कम बनेगी। अगर यदि कोई जीव पांचवें गुणस्थान में होगा तो लगभग उसका और आधा हो जाएगा, 25 लाख वर्ष का कर्म बंधेगा। यदि कोई साधु बन गया है तो और आधा हो जाएगा, लगभग 12.5 लाख वर्ष का ही कर्म बंधेगा। यदि कोई श्रेणी में है तो और आधा हो जाएगा, 6.25 लाख वर्ष का ही कर्म बंधेगा। और श्रेणी में भी अगर यदि कोई क्षपक श्रेणी में है तो और आधा हो जाएगा, उसके लगभग 3 लाख वर्ष के लगभग ही कर्म बंधेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि अंत कोटा कोटि सागर कहा जा रहा है, पहले गुणस्थान में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे, सातवें, आठवें तक, पर ऊपर के गुणस्थानों में अंत कोटा कोटि सागरोपम का जो काल है वो छोटा 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 होता जाएगा। एक बात और समझने की है कि अंत कोटा कोटि सागरोपम की शुरुआत कहां से होगी। कई बार ये प्रश्न आता है कि कम से कम कितना लेना अंत कोटा कोटि में और ज्यादा से ज्यादा कितना लेना। तो 1 करोड़ सागरोपम से लेकर 1 कोटा कोटि सागरोपम तक का जो काल है कम से कम कितना होगा? 1 करोड़ सागरोपम। 1 करोड़ सागरोपम से लेकर 1 कोटा कोटि सागरोपम के बीच की जो स्थितियां है वो सबकी सब स्थिति क्या कहलाएगी? अंत कोटा कोटि सागरोपम कहलाएगी। वापस सुनिए, 1 करोड़ सागरोपम से लेकर 1 कोटा कोटि सागरोपम तक के अंदर की जो स्थिति है, बीच की जो सारी स्थितियां है, वो सब अंत कोटा कोटि सागर
ऊपर के गुणस्थानों में छोटी होती जाएगी। जब जीव नौवें गुणस्थान में प्रवेश करेगा, नौवें गुणस्थान में दो तरह के जीव होंगे, उपशम श्रेणी वाले भी और क्षपक श्रेणी वाले भी। ध्यान से सुनिए, नौवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला जीव अगर यदि प्रवेश कर रहा है तो वह, हाँ वापस रिपीट कर रहा हूं, नौवें गुणस्थान में दो तरह के जीव होंगे, उपशम श्रेणी वाले और क्षपक श्रेणी वाले। उपशम श्रेणी वाले जो जीव होंगे उनके जो कर्म बंधेगा वो 1 करोड़ सागरोपम का बंधेगा। कितने का बंधेगा? 1 करोड़ सागरोपम का। नवे गुणस्थान के प्रथम समय में, फिर बाद में कम होता चला जाएगा। जो क्षपक श्रेणी वाले होंगे उनके नवे गुणस्थान में प्रवेश करते समय 1 लाख सागरोपम का कर्म बंधेगा। कितना फर्क हो गया? नवें गुणस्थान में दोनों जीव है, उपशम श्रेणी वाला भी और क्षपक श्रेणी वाला भी। उपशम श्रेणी वाला 1 करोड़ वर्ष का कर्म बांध रहा है और क्षपक श्रेणी वाला 1 लाख सागरोपम का, दोनों सागरोपम है, 1 करोड़ सागरोपम का और 1 लाख सागरोपम का कर्म बांध रहा है। फिर उसके बाद में जब जीव अंतरकरण करता है तो और कर्मों की स्थिति का जो बंध है वो कम 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 होता चला जाता है। ये कर्म बंध का एक सामान्य नियम हमने देखने का प्रयास किया है। वापस सुनिए, पहले गुणस्थान में सन्नी पंचेंद्रीय जीव है तो कम से कम अंतःकोटा कोटि का बंध करेगा और अधिक से अधिक तीव्र संक्लेश परिणाम वाला है तो उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर लेगा। दूसरे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान तक के कोई भी जीव है तो वे अंतःकोटा कोटि सागरोपम का कर्म बांधेंगे, ऊपर के गुणस्थानों में छोटा छोटा होता चला जाएगा। नवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला जीव है तो वह 1 लाख सागरोपम का कर्म बांधेगा, सॉरी उपशम श्रेणी वाला है तो 1 करोड़ सागरोपम का कर्म बांधेगा और क्षपक श्रेणी वाला है तो 1 लाख सागरोपम का कर्म बांधेगा। ये बंध की इतनी बात समझाने का तात्पर्य ये है कि जितनी स्थिति का कर्म जो जीव बांधता है, जिस गुणस्थान में बांधता है, जिस अवस्था में बांधता है, उस स्थिति के अनुपात में उनका आबादा काल निश्चित होता है। आयु कर्म के अलावा 7 कर्मों में स्थिति के अनुपात में आबादा काल फिक्स है। तो आबादा काल पूरा होने के बाद ही वह जीव बंधे हुए कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है, उसके पहले नहीं। पर इतनी एक अवश्य बात है, समय हमारा हो रहा है, कि अगर यदि किसी जीव ने जो कर्म बांध लिए, अबाधा काल अभी चल रहा है, उस अबाधा काल के पीरियड में विशुद्ध परिणामों से अपवर्तन कर दिया स्थिति का, अनुभाग का, जो बंधी हुई स्थिति थी, मान लीजिए 30 कोटा कोटि की स्थिति बांधी, उसको घटा करके 1 कोटा कोटि में ले आया, तो जो अबाधा काल 3000 वर्ष का था वो घट करके 100 वर्ष का ही आ जाएगा। तो जितना अपवर्तन कर लेगा अबाधा काल घट जाएगा, और अगर यदि स्थिति बढ़ा लेगा, उद्वर्तन कर लेगा, तो अबाधा काल बढ़ भी सकता है। तो ये हमारे स्वयं के हाथ में है कि बंधे हुए कर्मों को, उनकी स्थिति को, उनके अनुभाग को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, संक्रमण भी कर सकते हैं। हमारी जितनी सजगता रहती है, जितनी समता रहती है,
उतना ही जो है हम उन कर्मों में फेरफार करने में समर्थ है। यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारी आत्मा की शक्ति है। इसलिए हम अपनी शक्ति को पहचानें और शक्ति का सदुपयोग करें और कर्मों के जो बंधे हुए दलिक हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर सजग रहें, सावधान रहें। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। अब जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न रख सकते हैं। प्रणाम जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। हाँ, अबाधा काल में रहे हुए कर्म में अपवर्तन, उद्वर्तन, नित्यत, निकाचित, संक्रमण करण लग सकता है, राइट सर? हाँ जी। हाँ, तो उदीर्णा तो नहीं होती है, उदीर्णा नहीं होती। हाँ, वो उपशमन, उपशमन हो उपशमन भी उदय में बाद आबाद नहीं होता है, अबाधा काल के बाद। हाँ, और अबाधा काल में उपशमन करण भी नहीं लगेगा ना जी? ओके। और अबाधा काल और सत्ता, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कैसे करना? ऐसा है कि कर्म उदय में आना शुरू हो जाएगा, एक साथ तो पूरा उदय में आएगा नहीं। हाँ। धीरे 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 उदय में आकर के फल देकर के निर्जरित होगा। जब हाँ। तक वो पूरा का पूरा कर्म उदय में आकर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सत्ता में माना जाएगा। अच्छा, यानी अबाधा, हाँ बोलिए सर, बोलिए। इसलिए सत्ता लंबा काल है, अबाधा काल उसका एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। ओके, लेकिन वो अबाधा काल को भी सत्ता में मान सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ओके, अब समझ आए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृपा कर। जी जी सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। ये आपने रुचक प्रदेश का कहा ना जी? हाँ, जो मेरे सासू जी कुछ बोलते थे कि कोई आदमी अगर मर गया तो कुछ रुचक प्रदेश का कुछ बोलते थे, वो अपने मतलब वो गलत ही रहता है। नहीं नहीं उनका कहना ये हो सकता है कि जिसके रुचक प्रदेश बाहर निकल जाते हैं हाँ उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वो कैसे समझेंगे अपन? वो ऐसे समझेंगे कि जब हम कोई भी समुद्घात करते हैं तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, परंतु रुचक प्रदेश बाहर नहीं निकलते। जिसके रुचक प्रदेश बाहर निकल गए इसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात, केवली समुद्घात में तीसरे चौथे पांचवें समय में रुचक प्रदेश है, बस वो एक ही अपवाद है। बाकी तो अगर यदि किसी के रुचक प्रदेश निकल गए इसका मतलब उसका मरण हो चुका है। क्योंकि वो अगर कुछ मतलब कोई मर गए तो वो ऐसा कुछ तो यहाँ रखते थे पेट के उधर। हाँ, हो सकता है। जय जी, धन्यवाद। जय जय जी। हाँ सब। हाँ जी जी सर। जय जिनेन्द्र सर। सब निद्धतीकरण कुछ वापस समझना था। निद्धतीकरण का मतलब है कि जो कर्म जीव ने बांधे हैं, बांधते समय ऐसे तीव्र राग द्वेष के परिणाम है, ऐसे संक्लेश परिणाम है कि उन बंधे हुए कर्मों में ऐसी गाढ़ता आ गई है कि न तो उनका संक्रमण हो सकता है, न उनकी उदीर्णा हो सकती है, न उनका उपशम हो सकता है, केवल मात्र उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है। उस कर्म की जो अवस्था है उस अवस्था को निद्धति कहा जाता है। अच्छा, ये स्थिति से क्या मतलब है सर? स्थिति का मतलब है ऐसी दशा, ऐसी अवस्था। नहीं, जिससे 100 वर्ष का अगर कर्म है तो 100 वर्ष तक चलेगा।
अगर यदि किसी जीव ने जो कर्म बांधा है जी उसकी इसकी स्थिति मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म बांधा और उसकी स्थिति 100 वर्ष बांधी है जी, अगर यदि बंधने के बाद वह कर्म उसमें इतनी ताकत है कि 100 वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाएगा, अच्छा अच्छा, अगर यदि उसमें कोई संक्रमण नहीं किया, उद्वर्तन अपवर्तन कोई करण लागू नहीं हुआ, तो वो 100 वर्ष तक अपना फल दे सकता है, ये उसमें स्थिति है जितनी बांधी है। 100 वर्ष लगातार होंगे? बिल्कुल लगातार। अब उसके बाद में अगर यदि किसी ने करण कर लिया जी, तो उस स्थिति को वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है और बदल भी सकता है, ये जीव के हाथ में। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। ये कोटा कोटी की संख्या क्या बताई थी आपने? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें तो उसको कोटा कोटी कहेंगे, 1 कोटा कोटी कहें। जैसे 10 कोटा कोटी सागरूप हम अपने को समझना है, तो क्या करेंगे, 10 करोड़ की संख्या लिखेंगे, 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे, तो जो संख्या आएगी उसको 10 कोटा कोटी कहेंगे। अच्छा, 10 लिखकर के उसके आगे 14 बिंदी लगा देंगे। अच्छा, 1 करोड़ की 7 होती है और वापस करोड़ से गुणा कर रहे हैं तो 7 और बिंदी लगा देंगे। 10 के आगे 14 बिंदी लगाएंगे तो वो 10 कोटा कोटी कहलाएगा। हाँ सर, बस 70 कोटा कोटी करना है तो 70 लिख करके उसके आगे 14 बिंदी लगा देंगे तो 70 कोटा कोटी हो जाएगा। धन्यवाद सर। जी सर। हाँ सर, हेलो। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, मेरे 3 डाउट्स है। जैसे किसी जीव ने 30 कोटा कोटी सागरोपम की ज्ञानावरणीय कर्म बंद किए जी, अब वापस दूसरे समय उसने अगर और 30 कोटा कोटी सागरोपम की स्थिति वाला ज्ञानावरणीय बंद किया तो उसकी स्थिति कितनी रहेगी? ऐसा है कि अगर यदि उत्कृष्ट स्थिति बांध लेता है कोई जीव किसी भी कर्म की और उसके बाद अगले समय में फिर और उत्कृष्ट बांधता है या मध्यम बांधता है, कम भी बांधता है, 30 बांध करके 20 और बांधी तो वो उस 30 में ही मिल जाएगी, अलग से बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं होगी कि 30 बांध के 20 और बांधी तो 50 हो जाएगी, 30 बांध के 20 बांध के 10 बांधी तो 60 हो जाएगी, ऐसी नहीं होती है। उत्कृष्ट स्थिति में जो होते हैं उसी के अंदर सारी स्थितियां मिलती जाती है, निषेक रचना जिसको कहते हैं। तो मतलब रचना के रस में कुछ फर्क आ जाता है? हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। अब आपने बताया कि उदयावली का आने के बाद कोई करण लागू नहीं होता है जी, लेकिन उदीर्ण उस कर्म की होती है जिसकी स्थिति कम से कम 1 आवलिका होती है। 1 आवलिका नहीं, 1 आवलिका से अधिक होती है। अच्छा सॉरी, ठीक है सर। जितनी अधिक स्थिति होगी ना 1 आवलिका से उसकी उदीर्णा होगी। अच्छा, अगर 1 आवलिका ही स्थिति है तो उदीर्णा नहीं होगी। ओके ओके सर। फिर आबादा काल में कितने करण लगते हैं? आबादा काल में उद्वर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, निद्दत हो सकता है, निकाचना हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, उपशम भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ उदीर्णा को छोड़ के सब करण लग सकते हैं? बिल्कुल, उदीर्णा को छोड़ के सब करण लग सकते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। जी सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में आबादा काल नहीं होगा क्या? 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कर्म ही जो है एकमात्र सातावेदनी बनता है, उसकी स्थिति 2 समय की है, पहले समय में बंधा, दूसरे समय में उदय आ गया और तीसरे समय में निर्जरा हो गई, गेप है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए वहां न तो स्थिति है न आबादा काल है, दोनों ही नहीं है क्योंकि कसाय नहीं है इसलिए।
तो सत्ता में रहेंगे शिव कर्मा, सत्ता में भी नहीं रहेंगे। बंदा उदय में आया और अलग हो गया, उदय में आया अलग हो गया, उदय में आया अलग हो गया, टिकेंगे नहीं, टिकते नहीं है वहां पर। कौन से कर्म टिकेंगे? जो पहले के बंधे हुए हैं, जो पहले से दसवें गुणस्थान तक के बीच में जो कर्म बंधे हुए थे, हाँ। वो कर्म जो अघाती कर्म है, चार अघाती कर्म, वो टिकेंगे। हाँ। बाकी घाती कर्मों का तो क्षय हो ही जाएगा तेरहवें में। हाँ। तो कितने कर्म मिलेंगे उस गुणस्थान में? कौन से में? दसवें ग्यारहवें बारहवें। दसवें ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान में न तो उपशम होता है, केवल उपशमना करण चलेगा, उपशमना चलेगा, उपशमना हो जाएगा, उद्वर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, निद्दत निकाचना नहीं होता है। ओके। उदीर्णा भी होगा। हाँ। निद्दत नहीं होगा और निकाचना नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगी। थैंक यू सर। जी सर। जी जनेन्द्र सर। हाँ सर। आयुष्य कर्म का निदत्तीकरण होता है, ये कैसे समझना? आयुष्य कर्म का निदत्तकरण भी होता है और निकाचना करण भी होता है, दोनों होते हैं। हाँ। अभी आप गमा का थोकड़ा पढ़ रहे हो। जी। गमा में आप पढ़ रहे हो नानकता, नानकता में आ रहा है कि आयु के समान अनुबंध होता है, बराबर आयु। हाँ। की तरह छह चीजें बनती है, गति, जाति, स्थिति, अनुभाग, अवगाना, प्रदेश, ये छह। हाँ। निद्दत कहलाती है। निद्दत का मतलब क्या है कि इनमें उद्वर्तन अपवर्तन हो सकता है, पर गति जो बन गई है वो चेंज नहीं होती, जाति जो बन गई है वो चेंज नहीं होती, काया जो बन गई है वो चेंज नहीं होती, पर स्थिति और अनुभाग में कमी बेसी होती रहती है, उसको कहते हैं निद्दत। ठीक है, धन्यवाद जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है सर कि ये आपने जो बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कषाय की प्रवृत्ति चिकना और रुक्ष का काम करती है और बंद करवाती है, योगों की प्रवृत्ति ठंडे और गर्म का काम करती है और उससे आगमन कर्मों का होता है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि यानी ये स्पर्श पुद्गल के स्पर्श होते हैं जिसकी वजह से ये योगों की प्रवृत्ति अट्रैक्ट करती है कुछ? ऐसा है कि योगों की प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों में जो प्रकंपन होता है, हलन चलन होता है, उसके कारण से होती है, और आत्म प्रदेशों का जो कंपन होगा, योगों की प्रवृत्ति होगी, वो प्रवृत्ति हलन चलन रूप होती है। हाँ। तो वो जो हलन चलन है, हलन चलन। हाँ। का जो कार्य है वो हलन चलन गति देता है, अर्थात कर्म पुद्गलों को आमंत्रित करता है, खींचता है, तो कर्म। हाँ। पुद्गलों को। हाँ। खींचने में, कर्म पुद्गलों को खींचने में जो है ये योग की प्रवृत्ति सहायक बनती है, इसलिए उदाहरण को घटित करने के लिए कि भाई जैसे पुद्गलों में गति को देने में ठंडा गर्म सहायक है और चिपकने में रूखा चिकना सहायक है, उसी तरह से जो आत्मा के जो योग है वो कर्मों को बुलाने में सहायक बनते। अच्छा, मतलब सिर्फ उसको रिलेट किया है, रिलेशन किया, सर केवल संबंध किया, उदाहरण का उसका घटित किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा कि ये कर्म पुद्गल ठंडे और गर्म होते हैं उस वजह से, ऐसा मुझे लगा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। और सर ये आपने दूसरा बताया था कि विश्रषा की वजह से है, यानी स्वाभाविक है, तो इसका मतलब क्या है? विश्रषा का मतलब है कि कोई जीव का कोई पुरुषार्थ उसमें काम नहीं करता, पुद्गलों। अच्छा। में जो परिणमन होता है वो अपने। हाँ। आप होता है, अपने आप होता है, कोई करता नहीं है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, उसको कहते हैं विश्रसा परिणमन। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में संक्रमण करण में आपने बताया तीन दृष्टियों में, मिश्र दृष्टि जो जिस दृष्टि वाला है उस दृष्टि में, वो नहीं समझ में आया। ऐसा है
कि तीन दृष्टि में जिस दृष्टि वाला जीव है उस दृष्टि का संक्रमण खुद का नहीं होगा। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्यात्म होने का संक्रमण नहीं कर सकता, कोई मिश्र दृष्टि जीव है तो मिश्र दृष्टि का संक्रमण नहीं कर सकता खुद की दृष्टि का, और प्रकृतियों का तो कर देगा। इसी तरह कोई संकित मौनी वाला जीव है, क्षयोक्षम संकित वाला जीव है, तो वो संकित मौनी का संक्रमण दूसरी प्रकृति में नहीं कर सकता, उसको कहा है कि निज निज दृष्टि का संक्रमण नहीं होता है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, आप मुझे ये एक टर्म नहीं समझा था, कर्म दलिक यानी क्या होता है? कर्म दलिक यानी कार्मण वर्गणा के पुद्गल। अच्छा। जो संसार में आठ तरह के पुद्गल है उसमें एक विभाग है कार्मण वर्गणा, जिनसे कर्म बनते हैं, उनका जो समूह है वो कर्म दलिक कहलाते हैं। अच्छा, तो कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल है उनके समूह को हम कर्म दलिक कहेंगे? हाँ, वो कर्म दलिक है, वो कार्मण वर्गणा है। और एक चीज पूछना था, जो आपने बताया था समुद्घात करते हैं तभी रुचक प्रदेश नहीं निकलते हैं, लेकिन अपवाद इसमें केवली समुद्घात का है, तो एक्चुअली वो जो केवली समुद्घात में समय दिए हुए हैं कुछ एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, तो उसमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, तो मतलब कैसे वो समुद्घात, वो समय क्यों मेंशन किया है? ऐसा है, केवली समुद्घात में आठ समय लगते हैं, आठ समयों में से पहले समय में जीव दंडाकार करता है, ऊपर नीचे आत्म प्रदेश फैलाता है। अच्छा। दूसरे समय में कपाट आकार फैलाता है, तीसरे समय में मंथान आकार बनाता है, चौथे समय में लोक पूरित होता है, पूरा लोक भर देता है। अच्छा। पांचवे समय में संकोच करता है, लोक पूरित का खींचता है, छठे समय में मंथान आकार को खींचता है, सातवें समय में कपाट आकार को खींचता है, और आठवें समय में दंडाकार को खींचकर शरीरस्थ हो जाता है। ये आठ समय का काल है इसमें। अच्छा। इन आठ समयों में से तीसरे, चौथे और पांचवें समय में जो रुचक प्रदेश है वो बाहर रहते हैं। अच्छा। और छठे सातवें समय में वापस आ जाते हैं शरीर। धन्यवाद जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपने अभी बताया कि जो पहला गुण स्थान होता है उसमें उत्कृष्ट स्थिति कोई भी जीव बांध सकता है जी, तो क्या वो अंतकोटा कोटी भी बांध सकता है? देखिए, मैंने दो बातें कही थी जी। पहले गुण स्थान में अगर यदि एकेंद्री जीव है तो एक सागर से ज्यादा कर्म नहीं बांधेगा, बेंद्री है 25 सागर से ज्यादा नहीं बांधेगा, तेंद्री 50 सागर, चौरेंद्री 100 सागर, असन्नी पंचेंद्री 1000 सागर से ज्यादा कर्म नहीं बांधता है जी। और जो सन्नी पंचेंद्री है, मन वाला प्राणी है, वो कम से कम अंत कोटा कोटि सागरूपम का कर्म बांधता है, और अगर यदि वह सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, तीव्र संकलेश परिणाम वाला है, तो सात कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति भी बांध सकता है। ये बात मैंने कही थी। ठीक ठीक सर, वो पहले गुण स्थान वाला भी हो सकता है, मतलब ऐसी बात जी। हाँ बिल्कुल, ओके। दूसरे से लेकर जी, दूसरे से लेकर आठवें गुण स्थान तक अंत कोटा कोटि सागर का ही कर्म बनता है जी। हाँ जी, थैंक यू। पर ऊपर के गुण स्थानों में वो स्थिति छोटा छोटा होता जाता है जी। हाँ जी, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ साहब। हाँ, मेरा ये रह गया था, एक करोड़ सागरोपम से लेकर बीच की सारी स्थितियां आगे कुछ लिखनी भाई में। एक करोड़ सागर से लेकर एक कोटा कोटी सागरोपम तक। अच्छा, यानी बीच की सारी स्थितियां। हाँ, एक करोड़ सागर से लेकर एक कोटा कोटी सागरोपम के बीच की सारी स्थितियां। अच्छा, एक कोटा कोटी सागरोपम से लेकर। नहीं, एक करोड़।
एक करोड़ सागरोपम से लेकर एक कोटा कोटी सागरोपम के बीच की सारी स्थितियां अंतः कोटा कोटी सागरोपम कहलाती है। अच्छा सर, हाँ सर, धन्यवाद सर, जय जिनेन्द्र सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। सर एक भी बताइए कि सर समुद्गात ओनली केवली ही कर सकते हैं, श्रावक भी करते हैं क्या सर? समुद्गात, हाँ समुद्गात कोई भी जीव कर सकता है, तिर्यंच भी। देखिए सात समुद्गात होते हैं। हाँ सर, लघु दंडक का थोकड़ा आपने किया होगा। हाँ सर, सात समुद्गात हैं। तो उसमें जो है एकेंद्रीय जीव भी मेदनीय कषाय मरणांतिक समुद्घात करता है, बेंद्री तेंद्री चोरेंद्री भी करते हैं, जो सन्नी पंचेंद्री त्रियंच है वो वेदनीय कषाय मरणांतिक वेक्रिय तेजस पांच समुद्घात कर सकता है, आर्की देवता भी पांच समुद्घात कर सकते हैं, मनुष्य में सातों ही समुद्घात हो सकते हैं, पर जो केवली समुद्घात होगा वो केवली भगवान में ही होगा, दूसरे सामान्य मनुष्य में नहीं होगा। तो सर ये सब अपनी कर्म ज्यादा और आयु कम होते तभी करते हैं सर? केवली समुद्घात के लिए ये नियम है, बाकी सबके लिए नहीं है। बाकी के लिए नहीं है तो सर, बाकी तो उदीर्णा करने के लिए करते हैं, जो कर्म बंधा है उस कर्म की उदीर्णा करने के लिए करते हैं, पर नया कर्म और भी बन जाता है उसमें, यह है। अच्छा। केवली कर्म नहीं बनता। सर एक और है कि सर पुद्गल, पुद्गल का समझाइए सर एक शब्द में, पुद्गल का। पुद्गल का मतलब है जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जो सड़ता है, गलता है, नष्ट होता है। हाँ सर, ये परिभाषा ध्यान है सर। हाँ सर, तो फिर वो सर चिपकते हैं, ये पुद्गल और जीव का संबंध आया 25। हाँ बिल्कुल, पुद्गल मतलब कर्म पुद्गल, कर्मों के साथ तो यही पुद्गल जुड़ते हैं। हाँ ये उसको कार्बण वर्गणा के पुद्गल कहते हैं। ओके धन्यवाद सर। औदारिक शरीर के लिए औदारिक के पुद्गल काम आते हैं, वेकरी के लिए वेकरी पुद्गल काम आते हैं, आरक के लिए आरक के पुद्गल काम आते हैं, श्वासोश्वास के लिए श्वासोश्वास के पुद्गल, भाषा के पुद्गल, मन के पुद्गल, तेजस के पुद्गल, कार्मण के पुद्गल, ऐसे आठ तरह के पुद्गल होते हैं, तो वो काम आते रहते हैं, जीव ग्रहण करता रहता है और छोड़ता रहता है। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। उदीर्णा के चार कारण बताए थे अपने, चार नियम बताए थे, तो वापस पर जी। उदीर्णा का सबसे पहला नियम है कि जिस कर्म की उदीर्णा करनी है उसका विपाक उदय होना चाहिए जी। दूसरा, उस कर्म की स्थिति एक आवलिका से अधिक सत्ता में होनी चाहिए जी। तीसरा, योगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए जी। चौथा, उदीर्णा के योग्य परिणाम होने चाहिए जी। जी सर, एक उदीर्णा का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि कैसे उदीर्णा होती है कर्म? उदीर्णा कैसे होती है जी? जैसे हमने ज्ञानावरणी कर्म बांध रखा है जी। और जब कर्म बांधते हैं तो जितनी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार वो कर्म दलिक जो है एक एक स्थिति पर फिक्स हो जाते हैं। जैसे अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आने वाले दलिक, उसके एक समय बाद, उसके एक समय बाद, उसके एक समय बाद, और ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते हुए 30 कोटा कोटी सागर के बाद में 30 कोटा कोटी सागर की स्थिति के दलिक अलग हो जाते हैं। हर स्थिति के दलिक अलग 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 होते हैं, एक एक स्थिति के दलिक अनंत अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत अनंत होते हैं। उस अनंत दलिकों में से थोड़े से दलिकों को उठा करके और उदियावलिका में लाना, खींच कर लाना, इसका नाम है उदीर्णा। बाकी दलिक तो वहां के वहीं रहते हैं। इस कारण से उदीर्णा से स्थिति घात नहीं हुआ, रस घात भी नहीं हुआ, केवल दलिक थोड़े से कम हुए।
धन्यवाद। स्थिति घात रस घात किससे होगा? अपवर्तनाकरण से होगा। हाँ जी आयुष्य कर्म कब और कैसे बनता है? आयुष्य कर्म के लिए मैंने बताया था कि जो जीव जितनी आयु लेकर आया है उसका दो तिहाई भाग बीतने पर अगले भव की आयु का बंध होता है। उदाहरण के रूप में कोई 90 साल की उम्र लेकर आया है तो 60 वर्ष बीतने पर उसके अगले भव की आयु बन सकती है। यदि 60 वर्ष में नहीं बंधी तो जो बाकी 30 वर्ष बचे हैं उसका वापस दो तिहाई भाग अर्थात 80 साल की उम्र में अगला चांस उसको मिलेगा। 80 साल में भी नहीं बंधी तो जो 10 साल बचे हैं उसका वापस दो तिहाई भाग लगभग 83 साल की उम्र में उसको आयु बन सकती है। ऐसे जो आयु शेष बची है उसका दो तिहाई करते जाओ। लास्ट का जब अंतर मुहूर्त शेष बचेगा आयु का तब तो उसके अगले भव की आयु बंधेगी ही और उसके बाद ही उसका मरण होगा, उसके बाद ही वो काल करके जाएगा। दो तरह के जीव होते हैं। जय जीवन साहब। हाँ साहब बोलिए। जी जी मेरा प्रश्न था कि निर्जरा अवस्था है या करण या दोनों ही नहीं है? निर्जरा उदय का परिणाम है इसलिए उदय अवस्था के अंतर्गत निर्जरा को शामिल किया जाता है। जी कोई भी कर्म अबाधा काल में कर्मों की निर्जरा हो सकती है? हो सकती है। कौन से कर्मों की होगी? जिनका अबाधा काल पूरा हो चुका है और जिनका पूरा नहीं हुआ उनकी तो नहीं होगी, पर जिनका अबाधा काल पूरा हो चुका है बाकी पहले के बंधे हुए कर्मों का उनकी निर्जरा चलती रहती। निर्जरा के लिए उदय में आना जरूरी है, एक बात याद रखिए। चाहे प्रदेश उदय हो चाहे विपाक उदय हो, उदय होगा तब ही निर्जरा होगी। तो जो कर्म अबाधा काल में है उनकी तो नहीं होगी, पर जिन कर्मों का अबाधा काल बीत चुका है उनकी निर्जरा चलती रहती है। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी आपने कहा था उदीर्ण में रस घात और स्थिति घात नहीं होगा है? आपने अभी कहा था उदीर्ण में कर्मों के अनुभाग और स्थिति कम नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, केवल उदीर्ण करेगा तो उस हाँ। बंधे हुए कर्म की स्थिति नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? हाँ क्यों नहीं टूटेगी? हाँ, क्योंकि एक एक स्थिति को टिकाए रखने के लिए अनंत अनंत कर्म दलिक चिपके हुए हैं और उस अनंत में से हमने केवल उसका अनंतवा भाग ही कर्म दलिक वहां से खींचे हैं, पूरे के पूरे दलिक नहीं खींचे। अच्छा अच्छा ओके। हाँ अगर यदि पूरे दलिक खींच लेते तो स्थिति भी टूट जाती अनुभाग भी कम हो जाता, पर हमने अनंतवा भाग ही खींच पाया है उदीर्णाकरण से इसलिए दलिक तो कम हो गए पर उसकी स्थिति अनुभाग में कमी नहीं आई है। यानी प्रदेश कम हो गए बस यही समझना? जी हाँ प्रदेश कम हो गए बस। अच्छा लेकिन जैसे जैसे उदीर्ण करते गए वो अनंत को ले लिया तो उसकी स्थिति कम हो जाएगी ना? उदीर्णा से अनंतवा भाग ही खींचा जा सकता है उससे ज्यादा नहीं। हाँ अनंतवा लिया फिर वापस ऐसे अनंतवा अनंतवा लेते लेते वो एक भाग अनंत ले लिया तो नहीं ले सकता जीव। अच्छा ओके। कुल मिला के भी अनंतवा भाग ही खींच सकता है उससे ज्यादा नहीं खींच सकता। अच्छा अच्छा ओके ओके समझ में आ गया सर। और आपने कहा था अबाधा काल में उपशमकरण भी लगता है, वो थोड़ा कैसे एग्जाम्पल से या कुछ मतलब दिमाग में कैसे बिठाना उसको?
ऐसा है कि जो मोहनी कर्म बांधा है, बांधते समय तो उसको हमने सामान्य रूप से बांधा था, अभी उसका अबाधा काल चल रहा है, उदय में नहीं आया है। अच्छा, तो जो आत्मा के साथ बंधा हुआ मोहनी कर्म है, जो सामान्य बंधा हुआ है, उसको जीव चाहे तो उपशम कर सकता है, उसको उदय में लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको दबा सकता है, अंतर्मूर्त अच्छा, के लिए दबा सकता है। ओके ओके, धन्यवाद बहुत बहुत सर। जी सर। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। मतलब एक इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और एक डाउट है। जैसे आठ वर्गना है ना, आठ वर्गना, उनको अपन हर समय लेते हैं या कैसे ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं? ऐसा है, अभी अपन मनुष्य भव में है। बिल्कुल। तो मनुष्य भव में है तो हमारे औदारिक शरीर के काम आती वर्गना, औदारिक वर्गना काम आ रही है, तेजस काम आ रही है, कार्मण काम आ रही है, तीन तो शरीर की वर्गना काम आ रही है। ठीक है सर। जब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो श्वासोश्वास वर्गना काम आती है। ठीक है सर। जब बोलते हैं तो भाषा वर्गना काम आती है। जिस और जब सोचते हैं तो मनोवर्गना काम आती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी हमारे वेकरी शरीर नहीं है तो वेकरी वर्गना काम नहीं आती, आरक शरीर नहीं है तो आरक वर्गना भी अभी हमारे काम में नहीं आती है। जी सर। तो हमारे छह तरह की वर्गना काम आती है अभी। नहीं, काम तो आ रही है लेकिन औदारिक, अभी जैसे मन और श्वास भाषा, ये तो जब अपन उनका प्रयोग करते तो लेते हैं और छोड़ते हैं। अभी औदारिक शरीर तो है। हाँ, तो औदारिक वर्गना को भी अपन हर समय लेते छोड़ते हैं। बिल्कुल। औदारिक वर्गना के पुद्गल इस शरीर से प्रति समय अनंत जुड़ते हैं और इससे अनंत अलग भी होते रहते हैं। कैसे सर? जैसे अभी शरीर तो अपना बन गया है इस भोग की अपेक्षा से। जी, शरीर तो बन गया है तो अपन कैसे लेते छोड़ते हैं? उस बने हुए शरीर को टिकाए रखने के लिए, उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उन पुद्गलों को, जैसे अपन आहार लेते हैं, पानी लेते हैं, पौष्टिक चीजें लेते हैं, वो तो लेते ही हैं, वो तो स्थूल चीजें हो गई, पर सूक्ष्म रूप से ये जीव प्रति समय औदारिक के वर्गना के जो सूक्ष्म पुद्गल है उनको भी ग्रहण करता है और उनको छोड़ता भी रहता है। ये ऐसा स्वभाव है जीव का। और तेजस वर्गना भी लेते हैं? तेजस शरीर हमारे भीतर में है, वो जब भी एक्टिव रहेगा, जब तेजस वर्गना ग्रहण करेंगे छोड़ेंगे, कार्मण वर्गना, कार्मण शरीर भी जब भी रहेगा, जब कर्म ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। जी सर। जय जिनेन्द्र सर, आज का समय